नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था कुलदीप कुमार जी का, 34 इयर्स की एज, इनकी एक एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, बेस्ट फंड इन्होंने मेरे से पूछा है एसआईपी के लिए, तो वो आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग भी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज इसकी बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है तो एक एसआईपी तो आपको भले ही छोटे से अमाउंट से करें शुरू कर ही लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को एक एक चीज बहुत ही ध्यान से समझाऊं, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपका भी प्लान है एसआईपी शुरू करने का तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी एज लिख सकते हैं, अपना अमाउंट लिख सकते हैं, मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा फंड सिलेक्ट करके ले आऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कमेंट जो मेरे पास किया है वो किया है कुलदीप कुमार जी ने, नाम मैं इनका लिख देता हूं, कुलदीप कुमार जी ने मेरे पास कमेंट किया है। एज इनकी 34 इयर्स की है, 34 इयर्स की एज में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों ड्यूरेशन इन्होंने जो मुझे दी है वो 10 साल की दी है कि 10 साल के लिए मुझे अपना निवेश करना है, उसी के हिसाब से मैं फंड इनके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ। फंड कौन सा मैं लेकर आया हूँ, देखिए फंड इनके लिए मैं लेकर आया हूँ एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से मुझे आप लोग ड्यूरेशन बताते हैं उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए फंड सिलेक्ट करके लाता हूं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड 10 साल के लिए जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से ये फंड इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रिटर्न्स इस फंड के काफी अच्छे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी ये फंड हमें काफी अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। चलिए दोस्तों, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये फंड 1 जनवरी 2013 से परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस फंड की बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए दोस्तों, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि कहां कहां कैसे इस फंड ने इन्वेस्ट अपना किया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसने जो मिड कैप में जो इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है मिड कैप में किया हुआ है 51.99%। देखिए दोस्तों, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ये कौन कौन से फंड होते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। फिलहाल इस टॉपिक को समझते हैं, बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप में जो इनका है 43.55%, इतना परसेंट इन्होंने लार्ज कैप में लगाया हुआ है पैसा, इतना मिड कैप में लगाया हुआ है, और स्मॉल कैप में इन्होंने बहुत ही कम पैसा लगाया हुआ है, स्मॉल कैप में लगा हुआ है 4.46%। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप में अगर ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है तो यहाँ रिटर्न्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन उसी हिसाब से रिस्क भी यहाँ ज्यादा होता है। स्मॉल कैप में क्या होता है, बहुत ही छोटी छोटी सी कंपनियां होती हैं उसमें पैसा लगता है, लार्ज कैप में कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं, मिड कैप में मीडियम साइज की कंपनियां होती हैं। अभी फिलहाल आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, बाकी स्पेशल वीडियो एक इस टॉपिक पर भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए रिटर्न्स की बात करते हैं, पिछले 3 साल के रिटर्न अगर हम इसके देखें फंड के तो वो हमें मिले हैं 40.26% के। पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर हम लोग देखते हैं वो मिले हैं हमें 18.34% के। ओवरऑल रिटर्न की बात कर लेते हैं जब से ये फंड चल रहा है। देखिए ये फंड 1 जनवरी 2013 से परफॉर्म कर रहा है, आप मान के चलिए 10 साल से ज्यादा इस फंड को हो चुका है, अभी तक जो ओवरऑल जो रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं वो दिए हैं 19.75%। हम उम्मीद करते हैं आने वाले अगले 10 से 12 साल में भी इतना रिटर्न तो ये फंड हमें कम से कम बनाकर दे ही देगा। इतना ही रिटर्न लेकर अब हम बात करेंगे एसआईपी की। देखिए दोस्तों, एसआईपी की बात हम लोग अब यहां कर लेते हैं, बोर्ड पर जगह थोड़ी सी कम है। देखिए दोस्तों, अगर 2000 रुपये महीना, इन्होंने मुझे कमेंट में ये नहीं बताया था कि कितने रुपए महीना की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जब भी मुझे कमेंट करें तो आप लोग मुझे एसआईपी का अमाउंट जरूर कमेंट करें कि आप इतने रुपए महीना का निवेश करना चाहते हैं। देखिए 10 साल के लिए ये निवेश करना चाहते हैं, 19% का रिटर्न, ये वाला रिटर्न हम लोग लेकर चलेंगे। इन्वेस्ट जो इनका पैसा होगा, टोटल इन्वेस्ट जो इनका पैसा होगा वो होगा 2.4 लाख। देखिए वैल्यू जो इनकी बन जाएगी 10 साल के बाद पैसे की, वो बनेगी 7.17 लाख।
केवल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही अगर दोस्तों ये अपने पैसे को 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें, देखिए मैं तो इनको यही कहूंगा कि अभी इनकी एज 34 इयर्स की है, अगर इनके पास स्पेस है ये 5 साल और बढ़ा सकते हैं इजिली। अगर ये 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर लें तो देखिए दोस्तों 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने पर जो इनकी वैल्यू बनेगी, 15 साल अगर ये इस SIP को चला लेते हैं वो बनेगी 20.4 लाख। देखिए SIP में जब भी आपको फायदा है जब आप इसको लॉन्ग टर्म चलाते हैं। अब देखिए अगर ये इसको 15 साल चला लेते हैं तो इसको इनको लगभग 20.5 लाख रुपए यहां से मिल जाएंगे। वहीं अगर इस SIP को ये केवल 10 साल चला रहे थे तो केवल इनको 7,17,000 रुपए मिल रहे थे। देखिए दोस्तों यही होती है कंपाउंडिंग की पावर, जितने ज्यादा लंबे टाइम आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ही तेजी से आपका पैसा यहां बढ़ेगा। तो दोस्तों ये फंड इनके लिए मैं लेकर आया था SBI मैग्नम मिड कैप फंड, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से ये फंड इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं कि रिटर्न हमें कम से कम इतने रिटर्न जो पिछले 10 सालों में इसने बनाकर दिए हैं, कम से कम इतने रिटर्न तो ये फंड हमें बनाकर इजिली दे ही देगा। देखिए दोस्तों यहां जो इनके SIP में मैं 19% का ही रिटर्न लेकर चला हूं। देखिए रिटर्न्स तो इसके काफी तेजी से बढ़े हैं, अगर आप लोग देखें पिछले पांच साल में 18.34% का था, पिछले 3 साल में 40.26% के रिटर्न दिए, तो रिटर्न्स फंड ने काफी अच्छे बनाकर दिए हैं, फंड काफी अच्छा है तो आप लोग इस फंड में निवेश कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं SIP में इन्वेस्ट करना और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं अच्छे से अच्छा एक प्लान, तो आप लोग मुझे अपनी एज और SIP का अमाउंट कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसा ही एक फंड आपके लिए जो आपके लिए बेहतर होगा वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बाकी दोस्तों इन्वेस्ट आप डायरेक्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपको 1% का फायदा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है रेगुलर फंड की अपेक्षा। तो दोस्तों ये वो फंड था जो मैं आज इनके लिए लेकर आया था। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप जल्दी से कर लीजिए। धन्यवाद।